बिस्में लाइर रहीम सो वी वर डूइंग एडवांस लेवल स्ट्रैटजीज जिसमें हमने कॉलर स्ट्रैटी को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या होती है हमने उसकी बेसिक डायनेमिक्स बात की थी और बेसिक उसके फार्मूलाज की बात की थी तो so अब इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करते हैं एंड वी विल एड समलिस्ट्रेशन टू इट टू मेक इट मोर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर आस ओवरव्यू अगर हम थोड़ा सा देख लें फॉर योर री कॉलिंग कॉलर इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाई होल्डिंग स्टॉक वाइल बाइंग अ प्रोटेक्टिव पोर्ट एंड सेलिंग ऑप्शन ये हमने पहले बात कर ली थी उसका हम ये तीन चीज़ों को मिला के हम अपना एक ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसको हम कॉलर कहते हैं कॉलर पोजिशन इज लॉन्ग प्लस पुट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑन कॉल ऑप्शन यूज ऑफ कॉलर ऑप्शन क्या है इट इज़ यूज एज अ फ्लेक्सीबल हैजिंग ऑप्शन इन मर्जन एक्जिशन मार्केट वॉलिडिलिटी कंट्रोल बेसिकली इसमें हो क्या रहा है? हम अपने आप को सेव कर रहे हैं कि अगर कहीं नीचे ज़रा चला जाएगा अगर शॉ स्टॉक तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो लेकिन हम अपना ऊपर वाला डाउंस जो राइज का पोटेंशियल है वो भी थोड़ा फोर गो कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अभी ही प्रीमियम ले रहे हैं तो हमारी दोनों चीज़ों को हम लिमिट कर रहे हैं गेंस को भी और लॉसेस को भी बिकॉज वी आर रियलाइजिंग लॉ अगेंस नाउ और नीचे वाले लॉस को हम प्रोटेक्टिव पुट से कैप्चर कर रहे हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं वी शुड अंडरस्टैंड इट स्लोली चलते हैं

राइड करता हूँ तो यानी कि प्रीमियम मुझे मिल जाएगा और एट द सेम टाइम परचेज़ जुलाई फोर्टी फाइव यानी उससे थोड़ा सा नीचे आउट ऑफ मनी है दोनों आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन फोर्टी फाइव की एट द रेट वन डॉलर अब ये मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे फिर पे करना होगा तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है फोर्टी एट हंड्रेड हमने पे किया शेयर ख़रीदने का और हंड्रेड हमने पे किया उट ऑप्शन खरीदने का तो फोर्टी नाइन हंड्रेड की पेमेंट हो गई लेकिन जो हमने कॉल ऑप्शन राइट किया है उससे हमें टू हंड्रेड मिल गया तो अफेक्टिवली हमने कितना पे किया फोर्टी सेवन हंड्रेड तो इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट जो आई हमें वो फोर्टी सेवन हंड्रेड आई अब डिफरेंट ऑप्शन देखते हैं कि अगर स्टॉक की प्राइस फोर्टी एट से कहाँ पर जाती है तो हमें क्या होगा पहली ऑप्शन है लेट्स इफ द स्टॉक रेल बाय फाइव पॉइंट टू फिफ्टी थ्री डॉलर अब शेयर हो गया है फिफ्टी डॉलर का तो हमें क्या सिचुएशन होगी सिंस स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल इज 50 इज लोअर देन द ट्रेडिंग प्राइस तो इसका मतलब है वो जो है वो जिसने कॉल ऑप्शन खरीदी है वो उसको एक्सरसाइज करेगा तो हमें उसको जो है वो रिमटीरियलाइज करना पड़ेगा तो द ट्रेडर सेल्स द शेयर फॉर फाइव थाउजेंड रिजल्टिंग इन अ थ्री हंड्रेड प्रोफिट क्योंकि हमें हमारी कॉस्ट आई थी फोर्टी सेवन की वैसे तो वो फिफ्टी थ्री पर चला गया लेकिन क्योंकि हमने उसको फिफ्टी पे कॉल राइड कर दी थी तो इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे तो हमारा फिफ्ट फाइव थाउजेंड का आउट तो हमें उस पर सेल आउट हो गया एंड वी मेक अ प्रॉफिट ऑफ थ्री हंड्रेड ठीक होगी बात अगर ये हमने ना स्ट्रेटी की होती तो फिर हमें फिफ्टी थ्री तक भी जा सकते थे लेकिन क्योंकि हमने कॉल लिखी नहीं है इसलिए हमारा ऊपर का पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया लेकिन ये तो ऊपर की बात है अगर अदर वे राउंड हो वो अगली बात वही कर रहे हैं कि इफ़ स्टॉक हैज़ गॉन डाउन और वो 48 से 43 का हो जाता तो फिर क्या होगा हमें इन दैट सरकम द कॉल राइटर वुड हैव हैड इन अ पेपर लॉस ऑफ़ 500 फॉर होल्डिंग द 100 शेयर जब अगर इसके पास शेयर खाली पड़े हों तो उसके तो पाँच के हिसाब से लॉस फाइव का होना था लेकिन क्योंकि उसने 45 की एक पुट ऑप्शन ख़रीदी हुई है तो इसलिए वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा यानी कि ही वुड एबल टू सेल इट एट 4500 तक का तो वो बेच सकता है तो 4500 का वो बेचेगा तो अफेक्टिवली उसने क्या किया तो उसका जो लॉस आया वो 200 हंड्रेड आया एक्चुअली लॉस कुछ ज़्यादा होना था लेकिन ये पुट ऑप्शन की वजह से हमारा लॉस थोड़ा कम हो गया वो मेरी वाली बात के जो गेन ज्यादा था वो भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और जो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था वो भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉलर कि दोनों साइडों को ये हमने बार लगा दी हुई है कि इससे ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे इससे ज्यादा एट द सेम टाइम हम गेन भी नहीं करेंगे एंड वी कैन अगर उसके मिड में कहीं रहता तो वी विल बी मेकिंग गुड थिंग्स आउट ऑफ इट ठीक होगी बात सो दिस इज हाउ इट स्ट्रेटजी वर्क्स एट द स्टॉक रिमेन स्टेबल एट फोर्टी एट अगर फोर्टी एट का ही रहे स्टॉक तो फिर क्या होगा स्टॉक की वैल्यू कितनी है फोर्टी एट हंड्रेड हमें कितने का मिला हुआ है फोर्टी सेवन हंड्रेड का हमारा पैकेज बना था तो स्टिल वी आर हंड्रेड डॉलर इन प्रॉफिट अगर स्टॉक की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रही फिर भी हमें हंड्रेड डॉलर का उसमें एडवांटेज है ब्यूटी so कि ये एट द सेम लेवल भी हमें कुछ बेनिफिट दे रहा है समिंग so अप अ कॉलर ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट लिमिट्स बोथ गेंस एंड लॉसेज अ कॉलर इज पोजिशन क्रिएटेड बाई होल्डिंग क्या अंडरलाइंग प्लस बाइंग एंड आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन एंड सेलिंग आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन तो वो हमारे ये जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं इससे ये मीट हो जाएंगे होप इट्स क्लियर मेक च्योर इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें इन स्ट्रेटजीज को लिस्ट डाउन करें और वो डेटे के साथ इसको डू कंपेयर थैंक यू